The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। और जैसा कि आप हर रोज एक नई चीज के बारे में जानते हैं, आज आप जानेंगे बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज और लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में। मतलब आपको पता होना चाहिए कि बच्चे अगर नहीं उतना तेजी से सीख पा रहे हैं चीज़ें, कोई स्किल, तो आप उसके साइन कैसे समझें, उसको जल्दी कैसे पकड़ें और उनको हेल्प कैसे करें, उनको ठीक कैसे करें, चाहे वो एक मैथ्स हो, गणित हो, चाहे वो कोई और सोशल स्किल हो, चाहे वो स्कूल में प्रॉब्लम हो या सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम हो, बच्चे का सेल्फ मोटिवेशन में प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी के साइन सिम्टम पकड़ सकते हैं आप। और बच्चों में ये बहुत कॉमन है, बहुत से बच्चों को होता है। हाँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूल में स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका सेल्फ जो मोटिवेशन जो सेल्फ वो होती है रियलाइजेशन वो कम होती है, बहुत सारों का कॉन्फिडेंस कम होता है। सो यू हैव टू रिकग्नाइज कि नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल क्या है। तो लर्निंग डिसऑर्डर होता क्या है? लर्निंग डिसऑर्डर मतलब देर इज अ प्रॉब्लम इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। राइट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है। राइट, सो मतलब आपके बच्चे में उनके जो एक स्किल, अगर आप कोई भी चीज सीखते हैं, लर्न करते हैं, वो एक इंफॉर्मेशन के थ्रू आपके शरीर के आपके ब्रेन में जाती है, आप उसे प्रोसेस करते हैं और उसे यूज कर पाते हैं इफेक्टिवली। इस पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं हो पाता इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। और जनरली ये बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करता है, और ऐसा नहीं है कि जिसको भी ये होगा वो डम है। नहीं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि लर्निंग डिसऑर्डर जनरली अफेक्ट पीपल विथ एवरेज और अबव एवरेज इंटेलिजेंस। जी हाँ, एक अबव एवरेज इंटेलिजेंस वाले बच्चे को भी लर्निंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और ज़्यादातर उन्हीं में होते हैं। एक डम या मेंटली रिटार्डेड बच्चे में होना जरूरी नहीं हो, तो वैसी उसमें मेंटल रिटार्डेशन है। सो डिसऑर्डर इज बेसिकली गैप्ड है, गैप है एक्सपेक्टेड स्किल उस एज के लिए, उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस के लिए, उस पर्टिकुलर क्लास के एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए और बच्चे के खुद के परफॉर्मेंस में, देर इज अ गैप। राइट, और देर आर वेरी वेरी कुछ नॉर्मली कॉमन लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चे में होती हैं, जैसे कि रीडिंग नहीं कर पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, राइटिंग, रिटन एक्सप्रेशन सही से नहीं लिख पा रहा, मैथ्स या नॉन वर्बल स्किल्स। बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में, क्या मतलब। रीडिंग का मतलब है लर्निंग डिसऑर्डर, जहाँ पर बोल तो पाते हैं लेकिन आपका जो इट मेक्स डिफिकल्ट परसीविंग अ स्पोकन वर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टिंक्ट साउंड। सो वो एक दिपन आदित्य, बच्चे को समझने में मुश्किल हो जाती है कि एक पर्टिकुलर स्पीड में पढ़ नहीं पाता, मेमोरी में प्रॉब्लम आ सकती है, याद नहीं रह पाता। इट इज़ देयर द एबिलिटी टू होल्ड एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन एट दैट सेम मोमेंट इज लेस। सो क्या होगा कि उन्होंने क्या पढ़ा उनको समझ नहीं आएगा, और एक पर्टिकुलर स्पीड में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बीच बीच में रुकेंगे, उसके बाद में जो पढ़ा वो रिकॉल नहीं कर पाएंगे, उसके बाद उस पर्टिकुलर जो चीज़ पढ़ी उसके बेसिस पे कोई इंटरफ्रेंस नहीं निकाल पाएंगे, और स्पेलिंग में भी काफ़ी मिस्टेक करेंगे जब वो रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं इस तरीके से। रीडिंग जो है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। जी हाँ, तारे ज़मीन पे डिसलेक्सिया सुना होगा आपने, और इसको कई सारे लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिर्फ उसमें ही डिस्क्राइब भी करते हैं, बट रीडिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड डिसलेक्सिया, अलग ही दिखाई देता है फिर उनको रीडिंग। राइटिंग प्रॉब्लम, राइटिंग एक्सप्रेशन, मतलब राइटिंग में लिखने में कॉम्प्लेक्स चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, दिमाग से देखना होता है कि क्या लिख रहे हैं, हाथों से मोटर आपके हाथों के स्किल चाहिए होते हैं, और दिमाग का ऑब्वियसली क्या लिखना है प्रोसेसिंग होता है। और ये भी एक डिसऑर्डर है जिसमें आप या तो आपकी बहुत स्लो राइटिंग है या बहुत लेबर्ड है, बहुत ज़्यादा
तकलीफ हो रही है आपको लिखने में, या हैंड राइटिंग इतनी ख़राब है कि लिख पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, और ऐसा भी होता है कि जो सोच रहे हैं बोल तो देते हैं पर लिखने में फिर कुछ और ही निकलता है, लिख नहीं पाते हैं बोलने में, और पुअरली ऑर्गेनाइज्ड या हार्ड टू अंडरस्टैंड पैराग्राफ्स हैं, स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, ग्रामर में प्रॉब्लम है, पंक्चुएशन में प्रॉब्लम है, दीज आर राइट एंड रिटन एक्सप्रेशंस, और कहीं भी फुल स्टॉप आ रहा है, कहीं भी एक्सक्लेमेशन आ रहा है, कहीं भी कॉमा आ रहा है, कुछ भी लिख रहे हैं, ये रिटन एक्सप्रेशन. देन मैथ्स, मैथ्स में प्रॉब्लम, मतलब उनमें प्रॉब्लम आएगी हाउ टू अंडरस्टैंड नंबर्स टू रिलेट ईच अदर, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम, मेमोराइजेशन, बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, मैथ्स के सिम्बॉल्स में प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम, वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, मैथ्स के वर्ड समझने में प्रॉब्लम, और ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम, और लास्टली नॉन वर्बल स्किल्स का क्या मतलब है, नॉन वर्बल मतलब लैंग्वेज स्किल, जैसे कि आप किसी बच्चे को विजुअली कुछ बोलते हैं तो उसको नहीं समझ रहा है कि चुप होना है, समथिंग लाइक इस तरह से एग्जांपल, सो विजुअल मोटर स्किल्स, चलने को बोला इधर आओ बोला तो वो नहीं आ रहा, समथिंग लाइक विजुअल मोटर स्किल्स जो उनको नहीं उतना, विजुअल स्पेशियल स्किल्स, ऐसी चीज़ें, और जैसे इंटरप्रिटेटिंग फेशियल एक्सप्रेशंस, नॉन वर्बल क्यूज, यू नो बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल जैसे राइटिंग, अटेंशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं है. अगर अब ये सारी चीज़ें हो गई आपकी लर्निंग डिसऑर्डर, अब किस में होगा ये, ऑब्वियसली क्यों होता है, एक तो फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री होती है, फिर अगर बच्चा प्रीनेटल यानी कि जल्दी पैदा हो गया हो, प्री मेच्योर बर्थ हो, वेरी लो वेट हो बचपन में, या बचपन में कोई मेजर बीमारी हुई हो, दैट इज़ अ बिग 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 कॉज, साइकोलॉजिकल ट्रामा इज बिग कॉज, जो अर्ली चाइल्डहुड में अगर हुआ हो कोई मेजर फैमिली ट्रामा, फिजिकल ट्रामा अगर कुछ हुआ हो, सर पे चोट लगी हो, या इन्वायरमेंट में कोई टॉक्सिन हो, लेड हो, ऐसी कोई चीज़ें बहुत फाइन करती हैं. सो अल्टीमेटली आप क्या देखोगे, अगर बच्चा जो है लिखने पढ़ने में, मैथ्स में, समझने में, इस सब चीज़ों में स्लो है, तो फिर आप उसके लिए लर्निंग के लिए एक हेल्प ले सकते हैं. अर्ली हेल्प इज़ द बेस्ट इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन. और अगर बच्चा होमवर्क करने में अनकानी कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, हॉस्टाइल हो रहा है, ज़्यादा झगड़े कर रहा है, टेंट्रम्स कर रहा है, सो होमवर्क्स या ऐसी चीज़ों में, तो यू कैन स्टिल सी कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकता है कि बच्चे से हो नहीं रहा, तो वो उस प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म अपना रहा है. इस कंडीशन में फिर आपको पेरेंट्स को, टीचर, गार्डियन, ये डॉक्टर और साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल, काउंसलर स्कूल के, इन सबको मिल के एक प्लान बनाना पड़ता है, ताकि बच्चा जो है उसकी परफॉर्मेंस लो ना हो जाए, वो एंजाइटी में ना चले जाए, और उससे बुरा डिप्रेशन या लो सेल्फ एस्टीम में ना चले जाए, लो लॉस ऑफ मोटिवेशन ना हो जाए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऐसी चीज़ों के लिए बच्चे को आपको समझना पड़ेगा कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है. तो सबसे पहले आप लोगों को उसमें टीम, ये सारी चीज़ें चाहिए, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर, समटाइम्स आपके काउंसिलर, इतने ज़्यादा इतने बेसिक चीज़ है, काउंसिलर, पेरेंट्स और एक साइकोलॉजिस्ट. ट्रीटमेंट में क्या चाहिए, बच्चे को एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्यूशन चाहिए, उसके पढ़ाई में एक्स्ट्रा ट्रेन ट्यूशन चाहिए, वट एवर इट इज़, चाहे वो एकेडमिक हो, सोशल स्किल्स हैं, या स्पोर्ट्स हैं, उसको एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअलाइज्ड, जहाँ की 50 लोगों को पढ़ाया जा रहा है, नहीं, उसको पढ़ाने के लिए अलग से एक टीचर चाहिए, ऐसे सिचुएशन में कुछ सालों के लिए, कुछ टाइम के लिए, ताकि वो कोप अप कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट. एकोमोडेशन बहुत ज़रूरी है, क्लासरूम में उसको थोड़ा टाइम लगेगा असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, अपना होमवर्क करने के लिए, तो उसको एक्सेप्टेंस चाहिए कि ठीक है, डोंट वरी, लेट्स कंप्लीट इट, कंप्लीशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. फिर लास्टली उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वो करवा सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट, जिससे उसके माइंड में क्या चल रहा है आपको पता चले, एंड हिज स्किल्स इंक्रीज. मेडिकेशन रेयरली यूज़ होती है, अनलेस एंड अनटिल बच्चा डिप्रेशन में जा रहा हो, सिवियर एन्जाइटी हो, या बहुत ज़्यादा अटेंशन डिफिशेंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसा बिहेव कर रहा हो, तब तक दवाइयों का रोल नहीं है. ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जैसे वाइटामिन्स, आई एक्सरसाइज, न्यूरो फीडबैक काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा सकती है, और फिजियोथेरेपी की जा सकती है, एक्सरसाइज थेरेपी की जा सकती है, वो सारी चीज़ें हेल्पफुल है. याद रखिए, बच्चे का ट्रीटमेंट प्लान टाइम टू टाइम चेंज होता है, डिपेंड करता है बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे उसके
चीज़ हो रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम चाहिए, इंडिविजुअल उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की जो आपको आज से लेके जानी है। इसमें अपने टीचर्स, अपने काउंसलर्स, अपने साइकोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर से हेल्प लीजिए, बात करिए। आपका बच्चा है तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है जैसे साइकिल चलाने वाली प्रॉब्लम होती हैं, उन साइकिल चलाने में आपको हाथ पकड़ के चलवाना पड़ता है, बस ऐसी ही इस सिचुएशन को आपको हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालना होगा। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, एंड इफ यू डिड देन प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर सोशल मीडिया एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज डॉक्टर परमजीत, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।